तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक अच्छे तरीके से कक्षा 8वीं विज्ञान का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पाठ 5 किया जाएगा। नाम है कोयला और पेट्रोलियम। एक अच्छे तरीके से बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे बिल्कुल इस वीडियो में। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, साइड बाय साइड फोटो चलेंगे ताकि रियल लाइफ में आपको एक्चुअल में पता लगे कि आखिर ये चीज़ें दिखती कैसी हैं। बहुत दिक्कत होती है जब हमें नहीं पता होता। अगर हम आप लोगों ने देख रखी है और उसका एग्जैक्ट नाम ही नहीं पता, और अगर आपने देख रखी है, यूज़ कर रखा है, तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर को कराया जाएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, साथ के साथ आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां पर जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर, उस पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत काम की चीज़ है। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में रिटर्न में लिंक भी मिल जाएगा आपको, मतलब लिखे हुए क्वेश्चंस का। तो आप वहाँ पर जाकर आप अपने क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हो, तो वो तो यहीं पे भी मिल जाएंगे। बट हाँ, समझने हैं तो वो वीडियो देख लेना। चलो शुरू करते हैं अभी इस पार्ट को। कोयला और पेट्रोलियम, दो चीज़ें आती हैं। माना जाता है लाखों करोड़ों साल पहले एक उल्का पिरामिड पृथ्वी के ऊपर गिरा। क्या हुआ? उल्का पिरामिड। हमारी एक गोल सी पृथ्वी है और यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड, एक पत्थर आके नीचे गिरता है पृथ्वी के अंदर। अब जैसे ही वो पृथ्वी के अंदर गिरा, मान लो यहाँ पे गिरा, तो वो आते हैं ना भूकंप टाइप में, बिल्कुल हिला दिया सिस्टम, पूरा तबाही हो गई चारों तरफ। और उस तबाही में क्या हुआ कि जो जानवर थे, हम जैसे, तुम जैसे, जो भी था जानवर, दूसरे जानवर, पेड़ पौधे, अब बम फटेगा तो क्या होगा पता ही आपको। ऊपर से आया वातावरण में, आपको पता होगा जब कोई एस्ट्रॉइड आता है, पत्थर आता है ऊपर से, उल्का पिरामिड आता है, तो वो नीचे जब गिरता है तब तक वो आग में बदल जाता है, आग का गोला बन जाता है वो। वही हुआ यहाँ पे, आग का गोला ऊपर से बरसा और इतना खतरनाक, इतना बड़ा गोला था कि उसने पूरी पृथ्वी को उखाड़ के रख दिया, मतलब हिला दिया पूरा। यहाँ पे मतलब जो देश है ना अपने, अगर कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, बहुत सारे देश हैं, तो जो आधी पृथ्वी थी ना उस पर तो उसका पूरा असर गया, मतलब वहां तक की तो मिट्टी तक को भी साफ कर दिया उसने। बम फूटते हैं, आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी, जापान के अंदर बम फटे थे, न्यूक्लियर बम था वो, उससे कई हजार गुना पावरफुल बम पृथ्वी के ऊपर बाहर से आके गिर गया। अब जो बम गिरा तो तबाही हो गई। यहाँ पे पेड़ थे, बहुत किस्मों के पेड़ थे, बहुत सारे जानवर थे, और जानवरों में हम तो इतने इतने से है ना, नहीं इतने तो नहीं है, बाकी ठीक है। लेकिन डायनासोर का नाम सुना है कभी? कितने बड़े जानवर थे वो हम तो उनके आगे चींटियां लगती थी, चींटियां भी बड़ी बोल सकते हो, तो इतने बड़े बड़े वो जानवर थे। और वो जानवर मर गए, वो जानवर मर गए उस गर्मी में, वो सहन नहीं कर पाए। बाकी जब धुआं उठा, धूल उठी, तो ऊपर का जो वातावरण था, एटमोसफेयर था हमारा, तो जो वातावरण था उसमें गैसें भर गई, धूल धूल धूल, और धूप नहीं आ पाई। करीबन 100-200 साल तक पृथ्वी के अंदर धूप नहीं गिरी। अब जो धूप नहीं गिरेगी, आपको पता है जो सूरज की धूप है कितनी जरूरी है आपके लिए, वो गिरी नहीं ऊपर से, तो वो जो है ठंड की वजह से ठंड बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, और बर्फ जम जम के सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, पूरी सभ्यता खत्म हो गई। अब जो खत्म हुई थी, देखो कुछ तो बचेंगे ना। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मतलब फिर हम कहाँ से आए जब सब कुछ खत्म हो गया, तो हुआ कुछ यूं कि जो पानी था ना, पानी तो था उस टाइम पे भी, समुंदर थे, तो बीच में जो है एक बड़ा हिस्सा था जमीन का और साइड में पानी पानी था। जो पानी था उसके नीचे के जानवर बच गए, और वहां से मतलब एक दो जानवर इधर उधर बच जाते हैं यार, ऐसे तो सारे थोड़ी ना मरते हैं बिल्कुल ही, तो जो कॉर्नर्स पे थे वो बच गए। लेकिन बहुत बड़ी आबादी मारी गई पेड़ों की और जानवरों की, जानवरों में ज्यादातर डायनासोर थे, बड़े बड़े जानवर थे। तो अब ये जो जानवर मरे, तो इन्हीं का मतलब अगर आप मर गए तो क्या होगा, लोग मिट्टी में दफना देते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे दफनाने वाला कोई नहीं था उतने बड़े जानवरों को, मिट्टी ने, हवा ने खुद ही उनको दफना दिया, बोले नीचे चलो तुम, हम ऊपर नहीं रख रहे तुम्हें। तो अर्थ को हम अब लंबा कर देते हैं, फैला देते हैं, ये जमीन है हमारी, ठीक है। तो जमीन के ऊपर जानवर गिरा, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक डायनासोर का बच्चा गिर गया मर के, तो बच्चा नहीं बोलेंगे, पूरा डायनासोर ही मर के गिर गया। तो क्या हुआ, धूल आई उठ उठ के, और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते जो है उसके ऊपर धूल की परतें चढ़ती चली गई। अब जो हमारा जमीन का लेवल था वो ये आ गया, ये चले गए नीचे। अब जो है नीचे चाहेंगे तो क्या हुआ, दबाव बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच मध्य में बिल्कुल गर्मी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे गर्मी के चलते ये लोग जो है, मतलब आदमी को, छोटा जानवर है उसको दफनाएंगे तो कुछ होगा नहीं, तो
तो ऐसा नहीं था कि इनको दफना, मतलब मर गए, दब गए तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। क्या हुआ कि ये जो है जानवर मर के जो है पेट्रोलियम में बदल गए, कन्वर्ट हो गए। ऐसा नहीं है एक दो 50-100 सालों में बदल गए, इनको बदलने में करोड़ों साल लग गए। मतलब माना जाता है लाखों करोड़ों सालों में ये बने हैं, मतलब बहुत बड़ा टाइम है, या इतने टाइम तो इंसानी सभ्यता बनी भी नहीं है, जब से इंसान आए हैं उनको लाखों साल तो हुए भी नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। सो आदिमानव से बात कर रहे हैं, अब तक इतना टाइम बीता नहीं है जितने सालों में ये बने हैं। तो जो जानवर मरे थे, दो चीजें मरी थी ना, एक तो मरे थे जानवर, मरे थे ना जानवर, और एक मरे थे पेड़ पौधे, है ना, वनस्पति बोल सकते हो हम इसको, वनस्पति, क्या स्पेलिंग थी वनस्पति की, चलो जो भी है मेरे को भी ध्यान नहीं है, फिर बोलोगे गलत लिख दिया तुमने, तो पेड़, पेड़ ही लिख देता हूं मैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो जानवर और जो पेड़ पौधे थे वो मर गए, जो जानवर थे वो बने पेट्रोलियम, याद रखना, जानवर जो थे वो बने पेट्रोलियम, जो पेड़ थे वो बने कोयला, पेड़ का बना कोयला, जानवरों का बना पेट्रोलियम। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पेड़ की लकड़ी होती है, लकड़ी होती है मजबूत, अब हमारी हड्डियों से तो मजबूती होती है, तो मजबूती के चलते कोयला होता है पत्थर जैसा, ब्लैक पत्थर, साइड में फोटो देखो, पत्थर होता है, काला पत्थर होता है। तो जानवर होते हैं सॉफ्ट, तो जो पेट्रोलियम होता है वो भी लिक्विड से टाइप का होता है, जैली टाइप से का होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ठीक है। लेकिन एक खतरनाक सी दुर्गंध आती है इन जानवरों वाले पेट्रोलियम में से, उसको बाद में रिफाइन किया जाता है, बहुत सारी चीजें निकलती है पेट्रोलियम से। और हाँ, अगर पेट्रोलियम बंद हो गया ना, तबाही हो जाएगी बिल्कुल। चलो अब बड़े पैमाने पर खोल लेते हैं इस पार्ट को, ये तो इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था पेट्रोलियम और कोयले की कहानी के बारे में। अब जो है हमने क्या जाना, इनके भरोसे हम नहीं रह सकते, ये लाखों करोड़ों साल पहले मर गए, ऐसा तो है नहीं, ये मतलब हम इनका पेट्रोल निकाल या डीजल वीजल पता नहीं क्या क्या निकाल के यूज कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे? जितने मरे थे ऐसा तो है नहीं कि अरबों खरबों में मर गए तो वो खत्म ही नहीं करेंगे, उस टाइम की आबादी को देखते हुए अब की आबादी तो बहुत ज्यादा है, तो खत्म होने के कगार पे आ गई है, बढ़ती गए यूज, बढ़ते गए बढ़ते गए, हमने एक नया संसाधन ढूंढने की कोशिश की, हमें ये बल्ब जलाने हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बिजली चाहिए, उस दूसरा भी काम करना है, तो उसमें जो है हमें ऊर्जा चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी, पावर चाहिए थी। अब इनके भरोसे कब तक बैठे हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, इनके भरोसे कब तक बैठेंगे हम, खत्म हो जाएंगे ये तो एक दिन, उसके बाद क्या करेंगे, टन टन को पाल बैठे रहेंगे बस अंधेरे में, आदिमानव बन जाएंगे हम, ऐसा नहीं होने वाला था। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और ढूंढ के निकाला कुछ दूसरा जुगाड़। अब दूसरे में क्या हुआ कि निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एक डायनमो का आविष्कार कर दिया। डायनमो क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है ना, तो मोटर होती है एक, मतलब इन शॉर्ट आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हम, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में 11th 12th में आपको अच्छे से पता लगेगा कैसे काम करती है चीजें, बट अभी के लिए जान लेते हैं, एक मोटर होती है और जब उस मोटर को घुमाया जाता है तो उसमें से बिजली बनती है। अब इसमें ना पेट्रोल चाहिए ना कोयला चाहिए, आपको बस क्या करना है, उसको घुमाना है, कुछ भी करो उसको घुमा दो बस, ठीक है। बहुत सारे डैम्स होते हैं, बांध बनाए जाते हैं नदी के किनारों पर, ठीक है, किनारों पर नहीं, नदी के बीचों बीच बांध बना दिए जाते हैं, तो उसमें ये टरबाइन लगती है, बड़े बड़े डायनमो लगा दिए जाते हैं और वो पानी उनको घुमाता है, पानी रोकने वाला तो कोई है नहीं कि पानी रोक सकते हैं हम, है ना, तो क्या करता है, पानी तो जाएगा भाई, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जाता जाता इसको घुमा के जाता है वो, तो जब वो इसको घुमाएगा तो हमारी बिजली बन जाती है फोकट की। वैसे ही जो है धूप, सूरज, सूरज से निकलती है ना धूप, और धूप हमारे पास आती भी है, तो हमने क्या किया, सोलर प्लेट का आविष्कार कर लिया, सोलर पैनल का, फोटो देखो साइड में, तो जो सोलर पैनल था उसका आविष्कार होने के बाद में क्या हुआ, धूप से बिजली बनने लग गई, ठीक है। दो संसाधन हमने जाने, एक तो बन रही है धूप से बिजली हमारे पास में, और दूसरा इस डायनेमो को घुमाना, डायनेमो बहुत तरीके से घूमता है, पानी से घूमता है, बांधों के अंदर, विंड मिल देखे होंगे साइड में, फोटो देखते रहना बस, ठीक है ना, विंड मिल होते हैं, पवन चक्की जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, पवन चक्की ऐसे घूमती रहती है वो, ऐसे, ठीक है, हवा चलेगी और वो घूमती रहेगी, तो ये जो गोल गोल घूमेगी ये पवन चक्की, इसके अंदर लगा होता है डायनेमो, यही वाला डायनेमो, और ये घूमता है, हमें, मैंने बताया ना आपको, इसको सिर्फ घुमाना है हम लोगों को, ये घूम गया बिजली बन जाएगी आपकी, तो इसको ये हवा भी घुमाती है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कोयला जब चलता है, कोयला जब आग लगाते हैं, गर्मी की मदद से भी इसको घुमाया जाता है, तो वो हमारे पास में उन तरीकों से हम बिजली बना सकते हैं, हमने आविष्कार कर लिया उन सारी चीजों के, तो
तो इन्हीं के बेस पे दो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हमें मिले। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। अब देखो, एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक समाप्त होने वाले, ठीक है। अक्षय तो मतलब जैसे अमर होता है ना, कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होंगे प्राकृतिक संसाधन, और ये जो है समाप्त हो जाएंगे। अब सोच के देखो क्या समाप्त हो जाएगा, कि आपकी धूप जो है सूरज से करोड़ों साल पहले जो आ रही थी आज आनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी ना। वैसे ही हवा है जो पहले से चल रही थी वो आज आनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो वो जो हवा से जो बिजली बनती है, जो धूप से बिजली बनती है, वो होते हैं उस टाइप के संसाधन, होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। आजकल बहुत सारे साधन व्हीकल्स आ गए हैं बिजली से चलने वाले, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, तरक्की पे है देश बिल्कुल से। और आने वाले समय में, आने वाले 10-15 सालों में हमें बिल्कुल अच्छे से ये पता लग जाएगा कि बिजली से मतलब आपको ना पेट्रोल डालना, ना कोयला, ना डीजल, कुछ नहीं चाहिए होगा। अब सिर्फ बिजली से चार्ज करो उन व्हीकल्स को चला सकते हो। आजकल बहुत सारे आ भी गए हैं, आपने देखे होंगे अगर किसी ने लिया आपके आसपास। दूसरा आता है समाप्त होने वाले, जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल ही देखे होंगे। जो आज के टाइम पे करंट टाइम की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या हो रहा है, उसमें होता है ये काम, समाप्त होने वाले संसाधन। पेट्रोलियम यूज होता है उसमें, क्या यूज होता है, पेट्रोलियम। अब प्योर पेट्रोलियम नहीं डालते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, अच्छा किया जाता है, साफ सुथरा, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, मतलब बहुत सारी निकली ना, उनमें एक हिस्सा जो है व्हीकल को चलाने में, ऊर्जा देने में काम आता है। उसका नाम है पेट्रोल। क्या नाम है, पेट्रोल, है ना। आप लोग बोलोगे भाई डीजल भी है, चलो डीजल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल इन दो चीजें हैं जिनसे व्हीकल चलाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है चैप्टर में मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट लगे ना आपको, कमेंट में पूछने में कोई चिंता मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कोयले की कहानी हो गई है। अब कोयले को देखो, हम रिफाइन करने पे आ गए हैं, साफ सुथरा करने पे आ ही गए हैं, तो कोयले का भी साफ सुथरा कर लेते हैं, कोयले की भी झाड़ फूंक कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज आती है, कार्बन। क्या आती है, कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन क्या चीज है, सी से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो सी से हम कार्बन दिखाते हैं। कार्बन क्या है, जो चीजें गल सड़ सकती हैं, जो चीजें गल सड़ सकती हैं वो चीजें कार्बन की बनी होती हैं, ठीक है। वो चीजें कार्बन की बनी होती है, पेड़ पौधे कार्बन के बने होते हैं, और हम जो जिंदा प्राणी हैं दुनिया में जितने भी, वो सारे के सारे कार्बन के बने होते हैं। अब जो है कार्बन के तो बन गए, ठीक है। मत इसका मतलब ये कोयला भी कार्बन से बना है, ये पेट्रोलियम भी कार्बन से बना है, हीरा है वो भी कार्बन से बना है, हीरा जो यूज करते हैं ना ज्वेलरी में वो वाला, तो वो भी जो है कार्बन से बना है, क्योंकि वो जो है हीरा भी कोयले का, मतलब कोयला जब सड़ गया, गल गया, अरबों खरबों साल हो गए, और उसको भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो वो जो कोयला है वो हीरे में बदल जाता है, ठीक है। तो अब जो है कोयले को पहले साफ सुथरा कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया साफ सुथरा किए हुए इसको, इसमें जंग लग गया है इस कोयले में, तो चलो इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, जमीन की लेवल को हटा देते हैं और करते हैं इसको साफ सुथरा। अब कोयले की बारी आ गई है, कोयले से हमें क्या क्या मिलता है, मतलब साफ करेंगे रिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा। पहले नंबर पे हमको मिलता है कोक। क्या मिलता है, कोक। ये कोका कोला नहीं मिलेगी आपको, कोक, ठीक है। तो कोक क्या होता है, ये एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। साइड में फोटो देखो आपको पता लगेगा कोक दिखता कैसा है, ठीक है। तो जो ये जो है मतलब इस्पात के कारखाने, जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसे मतलब क्या यूज है ऐसे फैक्ट्रियों में इसका, है ना। तो इससे क्या होता है, जो धातुएं होती है ना, हमने शायद पिछले धातु है धातु वाले चैप्टर में जाना था, धातुओं को निकाला कैसे जाता है, विस्थापन प्रक्रिया के बारे में जाना था, तो उस विस्थापन प्रक्रिया में कोक काम आता है, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज जो हमें निकल मिलती है वो आती है कोल तार। कोल तार, इसको जो है हमारे आसपास जो है सड़कें बनाई जाती है इससे, ठीक है, जिसको हम हमारे यहाँ पे तार कोल बोला जाता है, बाकी इसका एग्जैक्ट नाम है कोल तार, ठीक है। पता ही आपको सड़कें बनती हैं, जो काला काला वो लिक्विड सा डाला जाता है ना, वो जो बजरिया होती है उनके अंदर, उनमें के साथ मिलाया जाता है ना काला सा, ठीक है ना, तो वो जेली टाइप का पदार्थ होता है। आपने कभी रोड बनते हुए देखा है तो आपको पता होगा, उसकी दुर्गंध भी आती है अलग से, तो वो होता है कोल तार। तीसरा आता है हमारे पास में, वो क्या है, तीसरे नंबर पे आ रहा है कोयला। अब जलेगा तो भाई धुआं तो उठेगा,
ऐसा तो कुछ है नहीं ना, धुआं उठाए ना जो, तो धुआं उठेगा जिसको हम कोयला जला रहे हैं, तो कोयले से जलेगा तो कोयला गैस, ठीक है, क्या निकलेगा कोयले से, कोयला गैस निकलेगी। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को भी रिफाइन करेंगे उससे पेट्रोलियम गैस निकलती है, वैसे ही कोयले से कोयला गैस निकलती है, ठीक है। अब इसका तो पता ही है फिर तो आपको, गैस है तो मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं हम, बहुत सारी जगहों पे गैस का प्रयोग, वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता है, खाना पकाने में करते हैं, ईंधन में, बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गए 3 पॉइंट्स जो कि कोयले से निकलते हैं। अब जो आपका पेट्रोलियम है इसको साफ सुथरा करते हैं। अब साफ सुथरा करने को बोलते क्या है, आप लोग बोलोगे, फिर लिखना भी तो होगा ना आपको, तो उसको बोलते हैं प्रिस्करण। क्या बोलते हैं? प्रिस्करण। पेट्रोलियम का प्रिस्करण करेंगे हम, ठीक है, पेट्रोलियम का क्या करेंगे, प्रिस्करण करेंगे, यानी कि साफ सुथरा करेंगे उसको, निकालेंगे उसको, रिफाइन करेंगे, क्या मिलेगा हमें देखते हैं चलो उसको। तो यहाँ पे हमें जैसे ही हमने देखो, हमने जाना ना, जानवर जो था वो दब 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 के नीचे पहुंच गया बहुत ज्यादा, तो निकालेंगे कैसे, है ना, सोच रहे हो ना। अब कोयले को क्या, कैसे निकाल जाता है, कोयले की होती है खदानें, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब मिट्टी खोद खोद के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जो है मतलब पानी की तरह ट्यूबवेल निकल के चल पड़ेगा, वो ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके लिए खदानें खोद दी जाती है, मिट्टी हटा दी जाती है बहुत बड़े इलाके की, और तब जाके वो नीचे से कोयला निकाला जाता है। अगर कोयला बहुत कम है तो उसकी मिट्टी नहीं हटाई जाती, बेटा दबा रहा है तो नीचे ही, हमें जरूरत नहीं है तेरी, उससे ज्यादा तो खर्चा आ जाएगा निकालने में। तो वैसे ही जो है पेट्रोलियम का सीन होता है, पेट्रोलियम को बस जैसे हमारे आजकल ट्यूबवेल चलते हैं ना, वैसे ही जो है उसी तरीके का जुगाड़ होता है पेट्रोलियम का भी, ठीक है, उस तरीके से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन क्या होता है, जहां पे जानवर मरा, अब जानवर के अंदर गैसें होती हैं, हम हवा लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना हवा, तो जो हवा गई मरे, उनको थोड़ी ना पता हवा तुम्हारे अंदर है कि बाहर है, तो जो हवा अंदर थी और वो दब गए दब गए दब गई, तो वो जो हवा थी ना, वो जानवर तो गल के नीचे हो गया, लिक्विड सा बन गया उसका, तो लेकिन जो गैस थी उसकी वो ऊपर आ गई। अब ऊपर कहाँ जाएगी, वो ऊपर तो जमीन थी, तो वो जमीन के अंदर ही दबी रह गई, लेकिन वो पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है हमें। अब हमने क्या किया, हमने किया बोरवेल, ठीक है, ये जमीन का लेवल अपना, यहां से हमने बोरवेल किया, तो यहां पे सबसे पहले हमें गैस नहीं मिलती है, क्या मिलती है, गैस, कौन सी गैस, पेट्रोलियम गैस, वो मिलती है जिसको हम प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। क्या, कौन सी नाम, गैस के नाम से, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, क्यों, क्योंकि हमें ये प्रकृति ने दी है, बस सिंपल सी बात है ना, तो प्राकृतिक गैस इसको बोला जाता है। इसको जो है आगे फिर इसको रिफाइन किया जाता है, प्राकृतिक गैस, अब गैस है, अब हमें थोड़ी ना पता हमने क्या क्या सूंघ रखा है, क्या क्या सांस में पता नहीं कौन कौन सी गैस लेके चले गए अंदर, वो मर गए वो जानवर, उनको भी नहीं पता क्या क्या घुसेड़ लिया उन्होंने अपने शरीर में। तो जो प्राकृतिक गैस थी उसको साफ सुथरा किया गया। प्राकृतिक गैस में से 2 गैसें निकल के बाहर आई, एक तो था CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस थी ना आपकी, इसको यूज किया जाता है दिल्ली के अंदर, नहीं, व्हीकल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर क्यों बोल रहे हैं हम, व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, और माना जाता है कि ये एक साफ सुथरा प्रयोग का साधन है, मतलब इससे धुआं या प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गैस है ना। तो जानेंगे यार CNG में कितनी पावर है, कितनी शक्तियां हैं CNG, ठीक है ना, ये व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो है LPG भी आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, क्या, लिक्विड मतलब तरल पेट्रोलियम गैस। अब तरल में पेट्रोलियम की गैस भी हमें मिलती है इसी गैस में से, ठीक है, तो 2 मिलती है, CNG और LPG। LPG से सिलेंडर भरे जाते हैं, घरों में खाना पकता है, ठीक है, तो इसका फर्क तो पता ही होगा, LPG से सिलेंडर भरे जाते हैं, CNG से गाड़ियां चलती हैं। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो आता है, तो यहाँ पे से हमें जो है बता रखा है कुछ चीजें, यहाँ पे हमें जो LPG मिलती है, डीजल मिलता है, पेट्रोल और पैराफिन मोम मिलता है। ये जो मोम होता है, मोम से क्या चीज याद आ रही है आपको, मोम से आती है मोमबत्ती, है ना, तो वही वैसलीन बनती है आपके मोम से, ठीक है ना, मरहम बनते हैं, मतलब दवाइयां वगैरह, ठीक है, थोड़ी बहुत है। तो पैराफिन मोम यहां से निकलता है, कहां से, पेट्रोलियम से। उसके बाद में मिट्टी का तेल, ठीक है, तो स्टोव, लैंप, जेट, वायुयानों के ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जहाजों में जो तेल डलता है ना, वो भी पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन बहुत कम निकलता है, ठीक है। मिट्टी का तेल यूज होता है जहाजों में, आपको नहीं पता, लोग सोचते हैं यार मिट्टी का तेल से जहाज, मतलब हम तो डीजल पेट्रोल से चलाते हैं, और वो जो है मतलब माना जाता है मिट्टी का तेल घटिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिट्टी के तेल के करीबन 80 प्रकार का मिट्टी का तेल होता है, और जो सबसे बेहतर वाला होता है ना, वो
यूज होता है जहाजों में, उसमें बहुत ज्यादा जान होती है, पेट्रोल से भी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में आता है बिटुमेन। बिटुमेन भी जो है देखो साइड में फोटो, तो बिटुमेन जो है ये पेंट और सड़क बनाने में यूज किया जाता है, पाउडर सा होता है हल्का सा, ठीक है वो वाला। तो चलो आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, हमने जान ही लिया कौन से सीमित है और कौन से असीमित होते हैं। पार्ट खत्म हो गया भाई आपका, बस ज्यादा कुछ नहीं था इस पार्ट में। और अगर आपको इस पार्ट से अब भी कोई डाउट बचा है, तो कमेंट में करना, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे देखो कोयला पेट्रोलियम समझ आ गया, कोयले की कहानी, पेट्रोलियम की कहानी, कोयले से क्या मिलता है, कोक कोयला और कोल गैस, सॉरी कोयला गैस। पेट्रोलियम से क्या मिलता है, ऊपर मिलती है प्राकृतिक गैस, और सीएनजी मिलती है प्राकृतिक गैस में से, और एलपीजी मिलती है। साफ सुथरा करने को हम परिष्करण बोलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण, कोयला परिष्करण, ठीक है। अब जो है कोयले से क्या मिलता है, मतलब पेट्रोलियम से आगे क्या मिलेगा, डीजल, पेट्रोल, मोम, है ना, बिटुमेन, तो वो सारी चीजें मिलती हैं हमें यहाँ से। दो प्रकार के संसाधन जान लिया है, जो एक खत्म हो जाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। सब कुछ कवर हो चुका है इस पार्ट से। और एक आता है कार्बनीकरण, एक वर्ड आ रहा है कार्बनीकरण, कार्बन का जान लिया ना आपने, कार्बन क्या होता है, कार्बनीकरण, कार्बन का बनना, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जब जानवर मरे थे ना, ये जब जानवर मरे थे तो उनका बदल जाना, उनका तब्दील हो जाना दूसरों में, ठीक है। तो जो जानवर थे, वनस्पतियां थी, उसका जो है कोयले में बदल जाना, उस प्रोसेस को हम कार्बनीकरण बोलते हैं, कार्बन का बन जाना, ठीक है। कार्बन था लेकिन उसका कार्बन, असली कार्बन बन गया उसका, ठीक है, काला कार्बन बन गया, कार्बनीकरण बोलते हैं। बस यही था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर इसके प्रश्न उत्तर आपको देखने हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आपको जानने हैं इस पार्ट से, कौन कौन से आपके पेपर में आते हैं, तो पार्ट 2 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हाँ, क्वेश्चन आंसर अगर आपको लिखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर साइट पे जाके आप आराम से उसको लिख सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों किस्म के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। तो इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।